पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत आंदोलन हुए, चाहे बात करें 2016 के जाट आरक्षण की या फिर 2020 के शाहीन बाग आंदोलन की। फिलहाल आज हम मौजूदा किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसे 60 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहां एक तरफ 26 जनवरी पर पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। वहीं परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा ने किसान आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिंधु पर लगाया है। इस बीच दीप सिंधु ने एक वीडियो जारी कर यह भी कहा है कि लाल किले पर झंडा उन्होंने ही फहराया है, पर उनका मकसद किसानों को भड़काने का नहीं था। दीप सिंधु ने कहा कि लाल किले पर झंडा तो उन्होंने ही फहराया है, पर अपने ऊपर लगे आरोपों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों के नेताओं ने तय रूट चालू नहीं करने की बात पहले ही कही थी, पर भारतीय किसान यूनियन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वहीं बात करें हम भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने भी दीप सिंधु पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दीप सिंधु ने किसानों को भड़काया है और मिसगाइड किया है। आइए अब आपको सुनाते हैं हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कहा है। आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है, और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धु ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है, और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है, और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा, तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। में आप देख सकते हैं कि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी सीधे सीधे तौर पर दीप सिंधु पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह वो आउटर रिंग रोड से किसानों को भड़का कर लाल किले पर ले गया और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ किसान आंदोलन है, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक सरदार जी बता रहे हैं कि आंदोलन करने वाले ये आदमी कौन है। देखिए वीडियो। दिल्ली दी सड़कां ते रौला पाउंदे आ, जिवें असीं इंदिरा गांधी चकती आए मोदी नूं चक देंगे, हालात खराब कर दे कि नहीं कर दे, असीं खालिस्तान बना देंगे, असीं ओह कर देंगे। ओह तुसीं दसो वी ओह उत्थे किसान बैठे आ, ओह किसान है, इस करके अज साडे नाल हालात ये बने है। जिहड़े सिख आ गुरु दे ओह ऐ नहीं करदे हुंदे, सिख गुरु दे बड़ी शांति नाल ते नरमाई नाल चलदे आ, ठीक है ना। ट्रैक्टरां दे उत्ते ला के फॉरन ट्रैक्टर ला के लाख लाख रुपये दे ला के डिग, असीं गरीब किसान है जी, जिहड़े गरीब किसान है। होर दसो इन्हां दीआं जमीनां सारे लोकां दीआं ठेके ते दित्तियां होईआं, ठेके ते कोई गरीब किसान कोई उसे सब्जी लाई बैठा है, कोई आलू लाई बैठा है, उन्हूं आपदी खेती दी पई हुई है, ये लैके 2-2 लाख रुपया किला दे उत्थे बार्डर ते फिरदे है, कहिंदे जी असीं किसान है, इहदा जमीनां ठेके ते दे के गए उत्थे सारीआं। आ मैं वेख उह कई बंदा देखो ठेके ते साडे कोल जमीन लई है जी, इह ठीक है ना। ते जदों किते उह ठेकेदार दी किते हाड़ी सौणी किते गर्मी सर्दी नाल मर जांदी है, ठोके नाल मर गई, ते सरकार ने उहनूं मुआवजा दे दिया, उह ठेके वाले नूं नहीं मिलदा, मर ठेके वाली दी दिंदी है, ते जावड़ दी जिन्ना कोई रजिस्ट्रियां दे उहनां दे खातिआं 'च, जावड़ दी रजिस्ट्रियां वाले दे खातिआं 'च, उह वी अड्डे ढप जांदे है। हर थां ते ठगी यार, हर थां ते ठगी, इस करके ठगियां मारदे भराओ। 70 साल हो गए तुसीं किते मुख मंत्री बदले ही नहीं, आए किहड़े जट मुख मंत्री, आए किहड़े जट मुख मंत्री, ते कि थोड़ी सोच 80% वोटां वाले, ओह सोचो सोचो ये गल, जिते 80% थोड़ियां वोटां ते 20% वाले वोटां वाला मुख्यमंत्री बड़े, शर्म सानू होनी चाहिए यारो, मारो कितने ना कितने शर्म नू हाथ, भी क्यों जमा ही सजदा गिर गए। 10वें पातशाह ने सानू की कहा सी भी इन्हां नू मूंह ना लायो, ते तुसीं इन्हां नू मुख्यमंत्री बनाई जांदे यार, ते धीआं भैणां जिन्ना किहदीआं जाण, किनू खेतां च कुट्टिया जावे, ये कितना कितने सानू ये गल ते वेर होना चाहिए, इन्हां गल्लां नू सुन लो, ठीक है। ये गल जिहड़े सारे
ठीक है लोग सारे चंगे नहीं होंगे माड़े नहीं होंगे। अज दो पंजा चारा बंदे ने पिंड गंद पा के रखता कि नहीं रखता साड़ी भाईचारी सांझ को खत्म करता नहीं आ दिल दिया गराइया जो इन गल्ला इन नहीं कीतिया जानिया सी ये मन कितना कितने शाला दिंदा है भी साढ़े नारे ए की अभी आपके रहबर का शहीद जरा मना चले सारे कट्ठे होके इन्हों लोगों ने सू की यह मुसलमानों को भेड़े लोग है ये गऊं भी खा जाते लोग योजे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।